हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ। एंड आई नो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो जो भी नया है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए तो गाइस, अब बात करते हैं आज के अपने पहले अपडेट के बारे में, जो की होने वाला है रवनीत सिंह के बारे में। तो रवनीत सिंह ने अपना लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर किया है, जिसमें आप लोग उनके शोल्डर एंड चेस्ट की कंडीशनिंग को देख सकते हो। उनके शोल्डर आप लोग को राउंड शेप में देखने को मिलेंगे, उनकी चेस्ट आप लोग को 3D शेप में देखने को मिलेगी। एंड टोटल उनकी कंडीशनिंग है वो टॉप नॉच कंडीशनिंग इस टाइम। तो गाइस, आप लोग क्या लगता है कि आने वाले प्रो शो के अंदर रवनीत सिंह कैसा पैकेज लेके आने वाले ऑन स्टेज, आप लोग अपने थॉट्स को कमेंट सेशन के अंदर बता सकते हो। एंड हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है मनोज सारंगापानी के बारे में। तो मनोज सारंगापानी ने भी अपना जो कंप्लीट फिजिक अपडेट है वो शेयर कर दिया, जिसमें आप लोग सबसे पहले उनकी क्वांट्स की कंडीशनिंग को देख सकते हो। उसमें आप लोग सेपरेशन इजिली विजिबल कर सकते हो, हालांकि आप लोग को साइड से देखने को मिल रहे होंगे, बट उनके सेपरेशन जो है ना वो आप लोग साइड से भी विजिबल कर सकते हो। एंड गाइस, बात करें उनके मिड सेक्शन की या फिर आप लोग बोल सकते हो उनके ऑब्लिक्स की, तो आप लोग ऑब्लिक्स की कंडीशनिंग को भी देख सकते हो, हालांकि इतने विजिबल नहीं हो पा रहे, लेकिन आप लोग उनके शोल्डर की कंडीशनिंग देख सकते हो, उनके चेस्ट की कंडीशनिंग देख सकते हो। बाकी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया अभी इन्होंने अपनी फिजिक के अंदर। एंड आप लोग इनकी फिजिक कैसी लगी कमेंट में मुझे बता सकते हो। एंड हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट एंड सबसे बड़ी न्यूज की तरफ, जो कि होने वाला है 2-time ओलंपियन चैंपियन बिग रैमी के बारे में। तो फाइनली बिग रैमी ने अनाउंस कर दिया कि वो आर्नोल्ड क्लासिक 2023 के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, बिग रैमी ने आज सुबह ये वाली पोस्ट करके हम लोगों को बता दिया कि फाइनली वो आर्नोल्ड क्लासिक 2023 के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं ओपन डिवीजन से। एंड बिग रैमी से पहले भाई किसकी अनाउंसमेंट आई थी वो तो हम लोग को इजिली ध्यान होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निक वॉकर के बारे में। तो निक वॉकर ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी कॉम्पीट करने वाले हैं ओपन डिवीजन से आर्नोल्ड क्लासिक में। एंड बिग रैमी ने भी अब फिलहाल अनाउंस कर दिया। तो गाइस, आप लोग क्या लगता है कि इस बार जो टक्कर होने वाली ओलंपिया में, चाहे जो हुआ हो, पर आर्नोल्ड क्लासिक 2023 के अंदर बिग रैमी एक ऐसी फिजिक लेके आ पाएंगे जिससे वो निक वॉकर को इजी डिफीट कर दें, या फिर निक वॉकर उनको दोबारा डिफीट कर सकते हैं? आप लोग अपने थॉट्स को कमेंट में मुझे बता सकते हो। एंड हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है मिस्टर ओलंपिया 2022 के क्लासिक फिजिक डिवीजन के फर्स्ट रनर के बारे में, जो कि होने वाले हैं रामोन दिनो के बारे में। तो रमन दिनो ने अपना जो लेटेस्ट फिजिक अपडेट है ना वो कहीं शेयर कर दिया, जिसमें आप लोग उनकी करंट कंडीशनिंग को देख सकते हो, जिसमें सबसे पहले आप लोग उनकी अपर बॉडी की कंडीशनिंग को नोटिस कर सकते हो, जिसमें आप लोग उनके बाइसेप साइज एंड उनकी चेस्ट की कंडीशनिंग को देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज साइज में अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे रमन दिनो। एंड बात करें उनके मिड सेक्शन की, उनकी एब्डोमिनल पार्ट की, तो वो भी ज्यादा काफी टॉप नोच कंडीशनिंग में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। एंड एज ऑलवेज उनके क्वांट्स तो भाई टॉप नोच रहते हैं। तो आप लोग को उनका ये वाला जो फिजिक अपडेट है वो कैसे लगा आप लोग मुझे कमेंट सेशन के अंदर बता सकते हो। एंड हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाले अभिषेक यादव के बारे में। तो रिसेंट में अभिषेक यादव ने अपना ये वाला जो बैक का फिजिक अपडेट है वो शेयर किया है, जिसमें आप लोग उनकी बैक के अंदर सेपरेशन इजीली विजिबल कर सकते हो, साथ साथ आप लोग फाइबर्स को भी उनकी बैक के अंदर इजिली नोटिस कर सकते हो। एंड गाइस, आप लोग इनकी ये वाला जो बैक का अपडेट है उससे इनकी कंप्लीट फिजिक का अंदाजा लगा के देखो, अगर ऐसे हम लोग को इनकी फिजिक देखने को मिली तो आई थिंक इस बार के सेरू क्लास के अंदर ये अनडिफीटेबल होने वाले हैं। एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस बार ये प्रो कार्ड भी वन साइडेड जीत जाए। तो आप लोग क्या थॉट्स हैं इनकी फिजिक के बारे में, आप लोग अपने ओपिनियन को कमेंट सेशन के अंदर मुझे बता सकते हो। तो चलिए तो गाइस, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि एक शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एंड वो होने वाली है साहिल खान के बारे में। तो क्या रिसेंट में साहिल खान को जेल हुई थी दुबई के अंदर, जब वो अपने इल्यूमिनाटी जो क्लब था उसको ओपन करा था उसके इल्जाम में, या फिर आप लोग बोल सकते तो उसके बाद में, क्योंकि भाई रिसेंट में एक आर्टिकल पब्लिक हुआ है एंड उसमें कुछ प्रूफ भी है, जिसमें आप लोग देख सकते हो क्राइम CID। एंड आप लोग को पता हो कि ये वाला जो स्कैन फोटो है तभी भाई लिया जाता है जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, जब भी वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहता है उसके डाटा को रखने के लिए ऐसा स्कैन फोटो लिया जाता है उसका। एंड गाइस, अगर आप लोग हॉलीवुड मूवी देखते हो तो आप लोग को ये सारी चीजें तो इजीली पता होंगी। एंड इनफैक्ट सिर्फ ये स्कैन फोटोज नहीं, इसके साथ साथ आप लोग को एक FIR जो अरेस्ट वारंट है वो भी आप लोग को
आपको अभी देखने को मिल रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, जो कि अरेबियन लैंग्वेज में। एंड भाई ऑब्वियसली किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्या गाइस ये सारी चीजें कंफर्म है। एंड साथ के ये भी बताया जा रहा है कि साहिल खान को जेल में डाल दिया था, उसके बाद में उनको बेल मिल गई एंड बेल मिलने के बाद में वो इंडिया वापस आ गए। अब अरेस्ट होने के या फिर दोबारा अरेस्ट ना होने पड़े इस वजह से वो दुबई वापस नहीं जा रहे इस डर की वजह से। तो गाइस आप लोग क्या थॉट्स है कि ये सारी चीजें भाई रियल है या फिर फेक है, आप लोग अपने थॉट्स को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में इतने ही अपडेट्स है। हां गाइस वीडियो को लीव करने से पहले यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत दुखता है दिल जब सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कर लेना प्लीज सब्सक्राइब। ओके सो थैंक यू जो उन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया हो, एंड मैं मिलता हूं इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।